Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, today's our topic is question answer of chapter 2 out in the garden. This is no page number 12 of our English literature book as we sister. So students, today we shall complete exercise V answer these questions of chapter 2 out in the garden in our fair English literature notebook. So all students, pay special attention to class and listen to my words clearly. Let's see exercise V. Okay, chapter number is chapter 2. Chapter name is Out in the Garden. Out means bahar, in means me, the garden means bagicha. It's a chapter name. Out in the garden, it's mean bahar bagiche me. Ye aapke chapter 2 ka name hai, clear? Let's see exercise B. Your exercise B is answer these questions. Answer means uttar dijiye. This means in, questions means prashno ke. Answer these questions, it's mean in prashno ke uttar dijiye. Clear? Let's see question number first. Your question number first is how many toys or playthings does the speaker talk about in her poem? Okay. How many means kitni? Toys means khilone or means ya? Playthings means student khelne wali vastuye ya khelne wali cheeze. Okay. Play means hote khelna, things means hote vastuye ya cheeze. Here the meaning of playthings that khelne wali vastuye ya khelne wali cheeze. Does it's a present indefinite tense in singular form helping verb. Okay. The speaker means student hote vakta bolne wala. Okay. Speak means hote bolna and speaker means bolne wala. Okay. Listen, now I am a speaker because I am speaking. Okay. अभी मैं एक स्पीकर हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ एंड यू आर ए लिस्नर आप एक लिस्नर है क्योंकि आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं. ओके तो स्पीकर मीन्स स्टूडेंट होता है बोलने वाला वक्ता. क्लियर. टॉक मीन्स बात करता है बोलता है. अबाउट मीन्स बारे में. इन मीन्स में हर मीन्स अपनी पोम मीन्स कविता. ओके हाउ मेनी टॉयज और प्लेथिंग डज द स्पीकर टॉक अबाउट इन हर पोम. तो कितने खिलौने या कितनी खेलने वाली वस्तुएं है जो जिसके बारे में ये जो पोट है ना जो कवि है वो अपनी पोम में जिन्होंने इसका डिस्क्राइब किया है जिसका वर्णन किया. ओके योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी टॉयज और प्लेथिंग डज द स्पीकर टॉक अबाउट इन हर पोम. तो कितने खिलौने या कितनी खेलने वाली वस्तुएँ कितनी खेलने वाली चीज़ें हैं जिन्हें वक्ता ने अपनी इस पोम में जिसके बारे में वक्ता ने पोएट ने इस अपनी इस पोम में जो आउट इन द गार्डन जो पोम है इसमें इन्होंने बताया है. ओके तो कितने खिलौने या कितनी खेलने वाली वस्तुओं के बारे में वक्ता ने अपनी इस पोम में बताया अपनी इस कविता में बताया. ओके सो स्टूडेंट्स योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द स्पीकर टॉक्स अबाउट बॉल काइट स्विंग स्लाइड अबाउट स्किप इन हर पोम. ओके द स्पीकर टॉक्स अबाउट बॉल kite, swing, slide, skip in her poem. It's a first number answer. The speaker means vakta, it's mean bolne wala. Talks mean baat karta hai ya batata hai. Okay. About means bare mein. Ball means students, gain. Kite means patang. Swing means swing. Swing means hota hai jhula. Okay. SLID slide. Slide means hota hai smoothly place jaise jispe aap स्मूथली बिल्कुल होता है चिकना जिसपे आप मूव कर सकते हैं. ओके जैसे जिसपे स्लिप करना होता है फिसलना होता है उसे बोलते हैं स्लाइड. ओके स्किप स्किप मीन्स होता है रस्सी. इन हर पोम इट्स मीन अपनी पोम में द स्पीकर टॉक्स अबाउट बॉल काइट स्विंग स्लाइड स्किप इन हर पोम. वक्ता ने वक्ता टॉक्स मीन्स बताती है अबाउट मीन्स बारे में. बॉल मीन्स गेंद काइट मीन्स पतंग स्विंग मीन्स झूला स्लाइड मीन्स स्मूथली. ओके वन प्लेस स्मूथली गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके कि बहुत ही स्मूथली बहुत ही चिकनीपन से इट्स मीन फिसलना एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना जैसे एक शीशा नहीं होता एक झूला होता है स्लाइड वाला. ओके उसी को बोलते हैं स्लाइड. ओके एंड स्किप मीन्स होता है रस्सी. स्किपिंग मीन्स होता है ना रस्सी कूदना एंड स्किप मीन्स रस्सी. इन हर पोम अपनी कविता में तो स्टूडेंट योर फर्स्ट नंबर आंसर इज द स्पीकर टॉक्स अबाउट बॉल काइट स्विंग स्लाइड स्किप इन हर पोम. वक्ता ने इट्स मीन बोल सकते कि वक्ता गेंद पतंग स्ट्रिंग इट्स मीन बोल सकते झूला. ओके स्लाइड इट्स मीन फिसलना. ओके एंड स्किप इट्स मीन रस्सी के बारे में अपनी कविता में बताती है. क्लियर. तो ये जो स्पीकर है ना जो पोट है हमारी इस पोम की उसने बॉल काइट स्ट्रिंग स्लाइड और स्किप के बारे में इस पोएम में बताया है. क्लियर. इस बारे में बताती है. क्लियर. गेंद के बारे में पतंग के बारे में झूला के बारे में और एक जो स्लाइड शीशा होता है इट्स मीन जो फिसलने वाले एक झूला होता है उसके बारे में और स्किप के बारे में इट्स मीन रस्सी के बारे में स्किप. ओके एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ए पार्ट फ्रॉम हर टॉयज हुम डज द स्पीकर लाइक टू प्ले विथ. ए पार्ट फ्रॉम हर टॉयज इट्स मीन अपने खिलौने के अलावा. ओके
अपार्ट फ्रॉम हर टॉयज़, टॉयज़ मीन्स हो गए खिलौने, अपार्ट फ्रॉम हर इट्स मीन अपने खिलौनों के अलावा. हुम डज द स्पीकर लाइक टू प्ले विथ, हुम मीन्स किसके साथ. ओके, द स्पीकर मीन्स वक्ता, लाइक मीन्स पसंद करती है, टू प्ले मीन्स खेलना, विथ मीन्स साथ में. अपार्ट फ्रॉम हर टॉयज हुम डज द स्पीकर लाइक टू प्ले विथ, इट्स मीन अपने खिलौनों के अलावा. अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है अपने के अलावा. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट्स मीन के अलावा. तो अपने खिलौनों के अलावा जो स्पीकर है, वक्ता है, ओके, जो इस पोम की जो पोइट है ना, तो वो किसके साथ खेलना पसंद करती है. वो टॉयज़ के साथ तो खेलना पसंद करती है, लाइक करती है, बट अपने टॉयज़ के अलावा, अपने खिलौनों के अलावा वो और किसके साथ खेलना पसंद करती है. तो स्टूडेंट्स, योर सेकेंड नंबर आंसर इज द स्पीकर लाइक्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम हर टॉयज़. ओके, द स्पीकर मीन्स वक्ता, लाइक्स मीन्स पसंद करती है, टू प्ले मीन्स खेलना, विथ मीन्स साथ में, हर मीन्स अपने, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के, अपार्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम मीन्स के अलावा, हर मीन्स अपने, टॉयज मीन्स खिलौने. द स्पीकर लाइक्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम हर टॉयज. वक्ता अपने खिलौनों के अलावा अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करती है. क्लियर? तो ये जो स्पीकर है ना, जो वक्ता है ना, वो टॉयज के साथ खेलना तो पसंद करती है, लेकिन अपनी टॉयज के अलावा, अपनी टॉयज को छोड़ के वो किसके साथ खेलना पसंद करती है? टॉयज के साथ ही साथ. तो वो अपने टॉयज के अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करती है. जैसे आप लाइक करते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, है ना, सेम वैसे ही जो स्पीकर है वो अपने टॉयज के अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करती है. क्लियर? ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ डे डज द स्पीकर लाइक टू प्ले. ओके, ऑन मीन्स पर, व्हाट मीन्स क्या, काइंड मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, डे मीन्स दिन, डज इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन सिंगुलर फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, द स्पीकर मीन्स वक्ता, बोलने वाला. ओके, लाइक मीन्स पसंद करती है, टू प्ले मीन्स खेलना. ओके, ऑन व्हाट काइंड ऑफ डे डज द स्पीकर लाइक टू प्ले, तो दिन के किस प्रकार में वक्ता खेलना पसंद करती है. ओके, वक्ता दिन के किस प्रकार में खेलना पसंद करती है. ओके, योर थर्ड नंबर आंसर इज द स्पीकर लाइक्स टू प्ले ऑन इट फाइन डे. ओके, द स्पीकर मीन्स वक्ता, लाइक्स मीन्स पसंद करती है, टू प्ले मीन्स खेलना, ऑन मीन्स पर, इच मीन्स प्रत्येक, फाइन मीन्स अच्छा. ओके, बोलते ना गुड एंड वॉर्म, एंड डे मीन्स दिन. द स्पीकर लाइक्स टू प्ले ऑन इच फाइन डे, इट्स मीन वक्ता प्रत्येक अच्छे दिन में खेलना पसंद करती है. क्लियर? वक्ता प्रत्येक अच्छे दिन पर खेलना पसंद करती है. योर थर्ड नंबर आंसर इज द स्पीकर लाइक्स टू प्ले ऑन ईच फाइन डे. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर क्वेश्चन हैज फिनिश. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर. योर क्वेश्चन नंबर फोर इज ड्रॉ कलरफुल काइट इन योर ड्राइंग बुक. ओके, ड्रॉ मीन्स बनाइए, आ मीन्स एक, कलरफुल मीन्स होता है रंग बिरंगी. ओके, काइट मीन्स पतंग, इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, ड्राइंग बुक मीन्स ड्राइंग बुक में. ओके, तो अपनी ड्राइंग बुक में आपको क्या करना है, कलरफुल काइट बनाना है. ओके, तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये क्वेश्चन आंसर हमारे इंग्लिश नोटबुक के हैं, ओके, इंग्लिश लिटरेचर बुक एज वे सेस्टर के हैं, तो हम ना इस क्वेश्चन का आंसर ना अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे ही देने वाले हैं, ना कि ड्राइंग बुक में. ओके, तो ड्राइंग बुक पे ना सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन का आंसर अपनी इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे ही देने वाले. ओके, तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ कलरफुल काइट. ओके, तो आपको क्या करें, कलरफुल काइट ड्रॉ करनी. ओके, एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ना, वैसे आपको भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कलरफुल काइट ड्रॉ करनी है. क्लियर? आप पहले आप काइट को ड्रॉ करेंगे, काइट बनाएंगे, काइट का पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, उसमें कलर करेंगे. ओके, और मैनी कलर्स का यूज़ करेंगे, बहुत सारे कलर्स का. ओके, क्योंकि ये कलरफुल काइट है हमारी. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन, पिंक, स्काई ब्लू, ब्लू वायलेट, है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स यूज़ किए ना, वैसे आपको काइट ड्रॉ करनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी. ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसमें कलरफुल काइट बनाना है, उसे उसमें कलर करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज बी, आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेकंड आउट इन द गार्डन ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एज वेल एज, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी ऑफ चैप्टर सेकंड, यू हैव नो प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं यही आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको आंसर समझ में आए होंगे, आपको किसी आंसर में या किसी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो स्टूडेंट, टुडेज क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन एक्सरसाइज बी. ओके, वी कैन टू से दैट नोट डाउन all these question answer of chapter 2nd out in the garden in your fair English literature notebook. It's your 2 days classwork. Okay, and your homework is that learn exercise B, answer these questions of chapter 2nd out in the garden from your fair English literature notebook. It's your 2 days homework. Okay, so student, आपका जो classwork है ना, आपका classwork ये है कि आपको ये exercise B as it is अपनी fair English literature की notebook पे note down करनी है. Clear? Firstly mention CW and after the date
and after a chapter number and then chapter name, okay, and then exercise B, answer these questions, and last नोट ऑन दिस क्वेश्चन सर. क्लियर? तो आपको पहले अपने पेज मेंटेन करना है, सी डब्ल्यू डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग, एक्सरसाइज की, आंसर दिस क्वेश्चन में से करनी, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सर राइट डाउन करना स्टार्ट करने. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे. ओके, फर्स्ट सेकेंड थ्री में आंसर देंगे क्वेश्चन के, और फोर में एक कलरफुल सी ब्यूटीफुल सी काइट बना देंगे. क्लियर? ड्रॉ कर देंगे, और तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज भी है वो आपकी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में सॉल्व हो जाएगी. जब सॉल्व हो जाएगी तो एक बार अपना वर्क चेक करेंगे कि कोई स्पेलिंग आपने मिस्टेक तो नहीं राइट की है ना. ओके, कोई स्पेलिंग आपकी रॉन्ग तो नहीं. एक बार अपने जो मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर आप राइट डाउन करेंगे ना, जो मैंने ये सीट दे रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, इससे अपने आंसर्स को मैच करेंगे, एक एक स्पेलिंग मैच करेंगे. और जब आपने आंसर्स को मैच कर लेंगे तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना वर्क मुझे सेंड कर देंगे, आपका क्लास वर्क क्लियर हो गया. और उसके बाद जब आपकी क्वेश्चन आंसर नोट हो गए हैं इंग्लिश लिटरेचर की फेयर नोटबुक में, मुझसे करेक्शन करा रही है, अगर जो भी इसमें स्पेलिंग में रॉन्ग था, कोई भी आंसर रॉन्ग था, तो आपने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने इसमें करेक्शन कर लिया, तो आपका ये जो बिल्कुल करेक्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना, तो आप इसे अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से इस एक्सरसाइज भी को लर्न करेंगे, आपका होमवर्क है. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट वी कैन डिसाइड दैट नोट डाउन एक्सरसाइज बी ऑफ दिस चैप्टर सेकंड आउट इन द गार्डन इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक एंड सेंड मी योर वर्क हियर. थैंक यू.